और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है फ्रांस से। यहां एनएसए शहर में बच्चों पर चाकू से हमले की जानकारी सामने आ रही है। इस हमले में कई बच्चे घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है फ्रांस से, जहां 3 से 5 साल के बच्चों पर चाकू से हमला हुआ है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। फ्रांस के एनएसए शहर में बच्चों पर हमला हुआ है, यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। पुलिस ने हमलावर को पकड़ लिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त फ्रांस से सामने आ रही है, बच्चों के ऊपर चाकू से हमला हुआ है फ्रांस में, ये जानकारी है। और 3 से 5 साल के ये बच्चे हैं जिन्हें निशाना बनाया गया, जिन पर चाकू से हमला किया गया। फ्रांस के एनएसए शहर से यह खबर, जहां 3 से 5 साल के बच्चों को निशाना बनाया गया, उन पर चाकू से हमला किया। पुलिस ने हालांकि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है फ्रांस से, एनएसए शहर से, जहां पर मासूम बच्चों के ऊपर हमला हुआ है चाकू से, और इनकी उम्र 3 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। एक स्कूल में यह हमला हुआ है फ्रांस के एनएसए शहर में, और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि 8 बच्चे घायल हुए हैं। 8 बच्चों को चाकू मारा है हमलावर ने। फ्रांस में बच्चों पर चाकू से हमला, जहां हमलावर हालांकि अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन 8 बच्चों को इसने घायल किया है, 8 बच्चों को इसने चाकू मारा है। फ्रांस के एनएसए शहर से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां छोटे बच्चों को निशाना बनाया गया, 3 से 5 साल इनकी उम्र थी। 8 बच्चे घायल हुए हैं, हमलावर ने 8 बच्चों पर हमला किया।